हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोकेशन ऑफ रूट्स इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें जेई मेन और एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। अब इसमें एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें इसमें पढ़ना है कि कोई एक रियल नंबर है, कोई भी नंबर है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट से दोनों रूट्स या तो बड़े हों या उस कांस्टेंट से दोनों रूट्स छोटे हों या फिर उस कांस्टेंट से एक रूट बड़ा हो और एक रूट छोटा हो। कि अगर ये तीन कंडीशनें हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्वाड्रेटिक के लिए। जैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक गिवन है और कहा कि इसके दोनों रूट्स टू से बड़े हैं या फिर दोनों रूट्स टू से छोटे हैं या फिर एक रूट टू से बड़ा है एक रूट टू से छोटा है, इस टाइप से। ये तो एक नंबर के लिए, और फिर एक इंटरवल देंगे पर्टिकुलर कि दोनों रूट उस इंटरवल में है या दोनों रूट उस इंटरवल से बाहर है या फिर दोनों रूट उस इंटरवल में एक रूट आता है, कोई भी एक। ठीक है, तो टोटल तीन कंडीशन एक नंबर के लिए, तीन ही कंडीशन एक इंटरवल के लिए, टोटल छह कंडीशन हमें इसमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट फर्स्ट है व्हेन बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, और के क्या है, के कोई रियल नंबर है, यानी ये कंडीशन है हमारी पहली कि व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ रूट्स में कि जब दोनों रूट्स क्या हों, किसी भी रियल नंबर से बड़े हों। तो इसमें देखिए, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ से कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे मैंने एक तो ये ग्राफ बनाया, एक मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, फिर एक मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, फिर एक मैंने ये इस टाइप से ये वाला ग्राफ बनाया कि चार तरह के ग्राफ बन सकते हैं। तो के किधर होगा, देखो इसमें तो दोनों रूट है ना, इसमें तो यहाँ होगा कहीं के, कि दोनों रूट कैसे बढ़े, तो के यहाँ होगा और रूट यहाँ पर है दोनों, तभी तो दोनों रूट क्या हुआ के से ग्रेटर। इसमें भी के यहीं कहीं होगा, तो ये दोनों रूट क्या है इस बार इक्वल है। इसमें इस केस में ये रहे दोनों रूट, ये और ये यहाँ पर होगा कहीं इस साइड में के, सेम इसमें यहाँ कहीं के होगा, यहाँ पर ये दोनों रूट। ठीक है, तो मैंने यही चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप कहोगे कि सर ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, नहीं इसमें तो रूट्स होंगे ही नहीं, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर्स में इनइक्वालिटी तो होल्ड नहीं करती कभी, यहाँ ये आपने पढ़ा होगा। इमेजिनरी नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो अब देखिए, चारों के अंदर मैं जो जो पॉसिबिलिटीज हैं मैं वो बनाऊंगा और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे पूरा का पूरा, वो कंक्लूजन ही हमें हमेशा अप्लाई करना होगा। देखो, सबसे पहली बात तो कि इस ग्राफ में ए तो क्या है, जीरो से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेट की बात करूं इस ग्राफ के लिए, फर्स्ट के लिए डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, ये भी जीरो से बड़ा होगा क्योंकि दोनों ग्राफ क्या है अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। फिर ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट ये वर्टेक्स तो आप जानते हो क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए। तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट होगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो। ठीक है, तो यानी माइनस का बी बाई टू ए ये क्या होगा, के से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये के से बड़ा होगा। देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर माइनस बी बाई टू ए और यहाँ पर के है, तो एक्स एक्सिस पे इधर जाने पर नंबर बढ़ते हैं, यानी के छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो बस वही बात वहाँ पर लिखी है कि माइनस बी बाई टू ए जो है वो क्या है, के से बड़ा है। फिर आपसे पूछें k पे वैल्यू f k
पे वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो के पे यहाँ वैल्यू होगी ऐसे, ऊपर ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, यानी एफ के जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। सेम इस ग्राफ में आते हैं, ए तो जीरो से बड़ा है, डी इक्वल टू जीरो है, माइनस बी बाय टू है, इसमें भी के से बड़ा है, ठीक है, और इसमें के पे वैल्यू, एफ के पे वैल्यू इसमें भी जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि के पे यहाँ पर वैल्यू आएगी। अब आते हैं इस ग्राफ में, इस ग्राफ में देखो ए तो क्या है, जीरो से छोटा, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दो अलग अलग रूट हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं इसकी। फिर इसमें भी यहाँ पर होगा ये माइनस बी बाई टू है, ये वाला पॉइंट होगा माइनस बी बाई टू, तो इसमें भी माइनस का बी बाई टू है क्या होगा, के से बड़ा होगा। तो देखो माइनस बी बाय टू है तो कैसे बड़ा, और के पे वैल्यू इस बार ये है कि के पे वैल्यू देखो नीचे आ रही है, यानी एफ के क्या हुआ, लेस देन जीरो। इस पे आए तो इसमें ए लेस देन जीरो, देखो जब ग्राफ अपवर्ड होता है तो ए ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्राफ डाउनवर्ड होता है तो ए लेस देन जीरो होता है। इसमें डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, इक्वल टू जीरो, माइनस का बी बाय टू है, इसमें क्या होगा, बड़ा होगा के से, और एफ के पे जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन जीरो। अब देखो इन चारों ग्राफ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, यानी जो कॉमन कंडीशंस हैं, यानी ऐसी कंडीशंस को इस टाइप से लिखेंगे कि चारों ग्राफ उसमें क्या हो जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं, यानी समरी, इन चारों की समरी। तो चारों की समरी में देखो सबसे पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेट, पहले ग्राफ में डिस्क्रिमिनेट जीरो से बड़ा, इसमें डी इक्वल टू जीरो, इस थर्ड वाले में डी ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड फोर्थ में डी इक्वल टू जीरो, यानी मैंने लिख दिया डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें चारों कंडीशनें आ गई, चारों ग्राफ आ गए, देखो डी की चार कंडीशनें थी चारों ग्राफ के अकॉर्डिंग, हालांकि थी तो दो ही, या तो ग्रेटर देन जीरो या इक्वल जीरो, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब बात देखो आप चारों के चारों ग्राफ में माइनस बी बाई टू जो, माइनस बी अपॉन टू जो है वो क्या है, के से बड़ा है। देखो चारों के चारों ग्राफों में एक कंडीशन ये कॉमन है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के। फिर आते हैं थर्ड कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन देखो माइनस बी बाई टू ए तो बड़ा है, अब तीसरी कंडीशन ए और एफ के। देखो पहला जो ग्राफ है उसमें ए तो जीरो से बड़ा है ना, दूसरे ग्राफ में भी ए जीरो से बड़ा, लेकिन तीसरे और चौथे ग्राफ में ए जीरो से छोटा है, ए लेस देन जीरो। फिर पहले दो ग्राफों में देखो एफ के की वैल्यू जीरो से बड़ी, तो बाद वाले दो ग्राफों में एफ के की वैल्यू जीरो से छोटी। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते ना कि एफ के ग्रेटर देन जीरो भी लिख दें, लेस देन जीरो भी लिख दें, ये तो फिर मीनिंगलेस बात है, तो कैसे लिखें, तो इसको क्लब करके लिखते हैं। देखो कैसे कंबाइंड करते हैं, आप ध्यान से देखो पहला जो ग्राफ है उसमें ए और एफ के का मल्टीप्लाई क्या आएगा, पहले ग्राफ में पहला ग्राफ ए तो जीरो से बड़ा है, एफ के भी जीरो से बड़ा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा ही आएगा, ठीक है। सेम अब आप देखो सेम टू सेम सेकंड ग्राफ में ए जीरो से बड़ा है, ये रहा, एफ के भी जीरो से बड़ा, तो उसमें भी यही आएगा, ए इंटू एफ के जीरो से बड़ा। अब आते हैं थर्ड में, थर्ड में देखो ये रहा ए लेस देन जीरो है और एफ के ये भी लेस देन जीरो, यानी दोनों ही नेगेटिव हैं। इस बार दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो जीरो से बड़ा, यानी इसमें भी ए इंटू एफ के क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। अब आते हैं इसमें ए लेस देन जीरो और एफ के लेस देन, इसमें भी दोनों माइनस, तो यानी इसमें भी ए इंटू एफ के ग्रेटर देन जीरो रहेगा। देखिए थर्ड जो कंडीशन बनी वो क्या बनी हमारी, ए इंटू एफ के फिर ग्रेटर देन जीरो। फिर तीन कंडीशंस हैं जो हमें अप्लाई करनी होगी, इन तीनों को अप्लाई करके, तीनों अलग अलग कंडीशन हैं, तीनों को अप्लाई करके फिर इनका तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक क्वालिटी हमें गिवन होगी, उस क्वालिटी गिवन होगी उसमें कोई अननोन डाल देंगे वो, और कहेंगे अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स टू से बड़े हैं तो इस के की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमें तीन कंडीशनें अप्लाई करनी पड़ेगी, इनका इंटरसेक्शन से जो आएगा वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। अब कंडीशनें तो याद रहेगी नहीं, जैसे तीन इसकी होगी, टोटल छः पार्ट बनेंगे ना, ऐसे मैंने बताया था आपको कि जब दो रूट्स के से बड़े हों, जब दो रूट्स के से छोटे हों,
एक रूट के से बड़ा हो, एक रूट के से छोटा, तो ऐसे तो कितने बन गए, छह बन गए। अब पहले में तीन भाई हो, ऐसा भी हो सकता है दूसरे में तीन, तीसरे में तीन, तो ऐसे तो 18 कंडीशन, 18 कंडीशन याद तो रहेगी नहीं, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर आपको इस ग्राफ को जैसे हमने निकाला है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। बस आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा समझना है, ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो ये कंडीशनें याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा हमारे पास कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस में के एक्स प्लस में के स्क्र माइनस वन इक्वल टू जीरो का, इसके दोनों रूट्स 2 से बने। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे हम एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक, दोनों रूट्स 2 से बड़े तो के की वैल्यू। तो इसका ग्राफ देखो, हमें दिख रहा है ग्राफ कैसे बनेगा, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, है ना। अब दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं तो हमने देखा 2 यहाँ होगा, इसमें भी 2 यहाँ होगा। तो दो ग्राफ को देख के दिख रहा है कि पहली कंडीशन तो ये बन गई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। दूसरी कंडीशन हमें साफ पता लग जाएगी, माइनस बी बाई 2 है, 2 से तो बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद 2 पे वैल्यू देख लो बस, कि 2 पे वैल्यू कैसी आ रही है, F2 0 से बड़ी आ रही है। तीनों का सोल्व करके इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ही क्या होगा, K की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन याद करनी है, आपको इस प्रोसेस को समझना है। कंडीशंस तो याद रहेगी नहीं, तो अगर प्रोसेस समझा होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन कंडीशनों को नहीं देखेंगे हम, डायरेक्ट जैसे हम इन कंडीशनों को बना रहे हैं उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इस कंडीशन को याद नहीं रखना हमें। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। पॉइंट टू, कि व्हेन बोथ रूट्स लेस देन के, और के क्या है, रियल नंबर, कि जब दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, के से छोटे होंगे। तो इसमें भी देखो मैं वही ग्राफ बना रहा हूँ, एक तो ये हो गया, एक इधर हो जाएगा ऐसे, ये टच करते हुए जाएगा, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ये थोड़ा सही नहीं बना, ऐसे, ठीक है। तो देखिए दोनों रूट्स के से छोटे हैं, तो इस बार के यहां पर होगा, इसमें भी के यहां पर होगा, इसमें के यहां पर होगा, इसमें के यहां पर होगा। देखो कंडीशन है वही रहेगी सारी की सारी, बस एक कंडीशन बदल जाएगी, कौन सी, यानी जो प्रीवियस में थी सेम टू सेम वही रहेगी, एक्सेप्ट एक कंडीशन, एक कंडीशन के अलावा। और वो एक कंडीशन कौन सी है, कि माइनस बी बाई टू ए इस बार के से छोटा होगा। देखो ए तो 0 से बड़ा, डी ग्रेटर देन 0, माइनस का बी बाई टू ए यहाँ होगा, देखो माइनस का बी बाई टू ए ये वाला है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा 0, माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, लेस देन के, और के पे जो वैल्यू होगी वो वापस ग्रेटर देन 0, के पे वैल्यू ऊपर होगी। सेम इसमें ए ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू ए लेस देन के, और के पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। इसमें भी ए, इसमें ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट हैं। फिर माइनस का बी बाई टू है, इसमें भी क्या होगा, छोटा होगा के से। फिर के पे जो वैल्यू होगी एफ के वो क्या होगा, लेस देन 0। सेम इसमें ए लेस देन 0, डी इक्वल टू 0, माइनस का बी बाय टू है लेस देन के, एंड एफ के पे जो वैल्यू है वो लेस देन 0। अब इनका कंक्लूजन निकालते हैं, देखो कंडीशंस लिखें, कंडीशंस क्या बनेगी, पहली तो डी डिस्क्रिमिनेट क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दो के अंदर तो डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पहले और तीसरे ग्राफ में, दूसरे और चौथे ग्राफ में देखो, दूसरे और चौथे ग्राफ में डी इक्वल टू 0 है। इसको कहा पहला ग्राफ, ये वाला है पहला, और ये वाला है दूसरा ग्राफ, ये वाला है तीसरा ग्राफ, और ये वाला है चौथा ग्राफ। जैसे जैसे बना रहे हैं उसी हिसाब से नंबरिंग करके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले और तीसरे में देखो, डी तो क्या है, 0 से बड़ा,
और दूसरे और चौथे में देखो डी है इक्वल टू जीरो, तो माइनस का जो बी बाई टू है वो कॉमन ही कंडीशन है सब में कि लेस देन है के से। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड में वही ए इंटू एफ के, ए और एफ के की जो जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा ही क्या आएगी ग्रेटर देन जीरो आएगी। ये हो गई हमारी सेकंड के लिए कंडीशंस। अब आते हैं जब एक रूट तो क्या हो के से बड़ा हो और एक रूट क्या हो के से छोटा हो। तो चलिए चलते हैं थर्ड पे, थर्ड व्हेन व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड अनदर इज लेस देन के। यानी एक रूट तो क्या हो के से बड़ा हो और दूसरा रूट क्या हो के से छोटा हो। ठीक है, तो एक रूट अगर देखो व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड अनदर इज लेस देन के, ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो एक तो देखो ये के बीच में हो जाएगा बस, हाँ इधर बिल्कुल बीच में नहीं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि इधर भी हो सकता है। अब अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊं तो ये तो ग्राफ बनेगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो के दोनों रूटों के बीच में आएगा ना, तो ये जो पॉसिबिलिटी ये वाली नहीं बनेगी इस बार। तो इस बार कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, इस बार ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें भी बीच में के होगा, टच करने वाली तो दोनों में ही नहीं बनेगी क्योंकि के बीच में होगा ना, और बीच में तो किस में होगा, या तो इस वाले में जब, यानी बीच में कब हो सकता है, जब रूट्स क्या हो रियल और डिस्टिंक्ट तभी हो सकता है। चलिए अब इसमें कंडीशन देखते हैं, इसमें भी देखो के जस्ट बीच में नहीं, इधर भी हो सकता है के और इधर भी, कहीं पर भी हो सकता है इनमें से। इसमें तो है ए ग्रेटर देन जीरो, या नीचे लिख लेते हैं देखो, इसमें तो है ए ग्रेटर देन जीरो, डी क्या है डी भी जीरो से बड़ा है और माइनस बी बाई टू है। अगर मैं बताऊं माइनस बी बाई टू है वो तो यहाँ होगा, देखो बिल्कुल वर्टेक्स होता है वो तो यहाँ पर, ये यहाँ होगा माइनस बी बाई टू। अब देखो के इधर हो गया यहाँ पर है के, तो माइनस बी बाई टू ए से छोटा है, अगर के यहाँ पर है तो माइनस बी बाई टू ए के बड़ा है, और अगर के यहीं पर है तो माइनस बी बाई टू ए के इक्वल है। तो यानी माइनस बी बाई टू ए और के में इस बार इसमें तो कोई कंपेरिजन कर नहीं सकते हैं। तो यानी उसकी कंडीशन नहीं लिखी। के पे वैल्यू देखो एफ के क्या हो गया लेस देन जीरो। अब आते हैं इसमें, इसमें ए लेस देन जीरो, ग्राफ दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस रीजन से डी डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें भी देखो अगर के यहाँ पर है ना, तब तो के और माइनस बी बाई टू ए इक्वल, अगर के इधर है तो के माइनस बी बाई टू ए से बड़ा, अगर के इस साइड में इधर तो माइनस बी बाई टू ए से छोटा, तो अगेन माइनस बी बाई टू ए एंड के इनके बीच में कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते हम। तो फिर तीसरे आए के पे वैल्यू, इसमें के पे वैल्यू क्या है जीरो से बड़ी। अब इसमें अगर हम कंडीशंस लिखें, देखो दोनों को कंडीशंस लिखी मैंने दोनों को लिख के, तो क्या बनी पहली कंडीशन तो डिस्क्रिमिनेट दोनों में, देखो दोनों में जीरो से बड़ा है। फिर सेकंड, सेकंड में देखो ए और एफ के इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यानी ए इंटू एफ के पहले में तो क्या आ रहा है लेस देन जीरो, दूसरे में भी देखो इसमें ये माइनस और ये प्लस, तो इसमें भी ए इंटू एफ के लेस देन जीरो। अब ये तो बनी कंडीशंस, अब इसमें आती है एक सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशंस, सफिशिएंट कंडीशन वो क्या है ए इंटू एफ के लेस देन जीरो। यानी आपको इसमें दो कंडीशनें बनाई ना हमने, तो दो कंडीशनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप किसको सोल्व करो, एक तो ओनली एंड ओनली सेकंड कंडीशन को, यानी ये सफिशिएंट है। अब ऐसा क्यों, देखो एक्चुअल में हम करेंगे क्या कि पहली को सोल्व किया कंडीशन को, दूसरी को सोल्व किया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, दोनों का कॉमन पार्ट निकाला, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो इसके बजाय अगर आप ओनली सेकेंड को सोल्व करके आंसर दे दो
तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। सफिशियंट कंडीशन होने का मतलब ये है कि आप ओनली टू को सोल्व कर दो वही आंसर होगा। इसका मतलब वन और टू का कॉमन हमेशा टू वाली कंडीशन ही देगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये जो पॉसिबिलिटी लिखी है ना कि एक रूट तो के से बड़ा हो और दूसरा रूट क्या हो, के से छोटा हो, ये तो तभी पॉसिबल है जब के दोनों रूट के बीच में आए, तभी तो पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दोनों रूट के बीच में आने का मतलब दोनों रूट क्या होने चाहिए, अलग अलग तो होने ही चाहिए। यानी ये जो पॉसिबिलिटी है थर्ड, ये होगी ही तब जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो, वरना डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा नहीं होगा तो ये कंडीशन ही नहीं होगी। इसलिए इसको बोलते हम सफिशियंट कंडीशन की ए इंटू एफ के लेस देन जीरो। उम्मीद करता हूं ये थर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम फोर्थ पे। या फिर पहले इतने पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, या एक साथ ही बता देते हैं सारी कितनी होगी। तीन ही तो होगी अभी, तीन और बची, चलो एक साथ पढ़ लेते हैं सारी। अब आते हैं देखो फोर्थ पे। अब इंटरवल के लिए पढ़ रहे हैं कि दोनों रूट किसी इंटरवल में लाई करें। तो फर्स्ट है कि वैन बोथ रूट्स लाई इन K1 से K2। K1 क्या है, लेस देन K2। जब दोनों के दोनों रूट किस इस इंटरवल में लाई करें, कौन से इंटरवल में, K1 और K2 में। तो अब देखो इसमें भी मैं पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करता हूँ कितनी कितनी हो सकती है। जैसे देखो पहली कंडीशन लाइन नहीं बन रही, देखो ये बनाई, ये पहली कंडीशन, ये ऐसे, फिर दूसरी कंडीशन ऐसे टच करते रहे। इसमें K1 तो इधर हो गया और K2 इधर हो गया। तो देखो दोनों रूट क्या है, K1 और K2 के बीच में है। इसमें भी K1 इधर और K2 इधर, K1 छोटा है K2 बड़ा है। फिर एक पॉसिबिलिटी ये वाली, इसमें भी K1 इधर और K2 इधर। फिर एक टच करते हुए इधर चली जाए, इसमें भी K1 इधर और K2 इधर। तो देखो चारों के चारों में K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप अगर कोशिश कीजिए और अगर और कोई बना सको तो, एक जब एक होता ग्राफ जब टच भी नहीं करता, इंटरसेक्ट भी नहीं करता, तो उस केस में तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब इमेजिनरी रूट्स इस इंटरवल में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो देखिए अब इन पे कंडीशन बनाते हैं। अब सबसे पहले ए तो जीरो से बड़ा होगा इस ग्राफ के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड ग्राफ, सॉरी डी भी जीरो से बड़ा होगा। माइनस बी बाई टू ए तो कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा। देखो माइनस बी बाई टू, K1 से तो बड़ा है, K2 से छोटा है, यानी ग्रेटर देन K1 बट लेस देन K2। K1 पे जो वैल्यू होगी, K1 पे जो वैल्यू, वो जीरो से बड़ी होगी। सिमिलरली K2 पे जो वैल्यू होगी वो भी जीरो से बड़ी होगी। कैसे, देखो K1 पे इधर वैल्यू है, सिमिलरली K2 पे इधर वैल्यू है। ऐसे ही इस पे A ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू जीरो, फिर माइनस बी बाई टू है, ये K2 और K1 के बीच में। फिर वही FK1 ग्रेटर देन जीरो एंड FK2 भी ग्रेटर देन जीरो। इसमें आए, इसमें A लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन जीरो। इसमें भी माइनस बी बाई टू के बीच में ही होगा, सॉरी माइनस बी बाई टू है K1 K2 के बीच में होगा कहीं। देखो क्योंकि माइनस बी बाई टू यहाँ है, ये वाला पॉइंट है माइनस बी बाई टू। फिर K1 पे जो वैल्यू आ रही है, K1 पे वैल्यू, वो क्या है, लेस देन जीरो। K2 पे जो वैल्यू आ रही है वो भी लेस देन जीरो। देखो K1 में इस बार वैल्यू नीचे है यहाँ पर, सिमिलरली K2 पे यहाँ वैल्यू।
अब आते हैं इसमें, इसमें भी देखो ए तो लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू जीरो, माइनस बी बाई टू ए जो है वो के वन से तो बड़ा है बट के टू से छोटा है, ठीक है। फिर एफ के वन, एफ के वन, के वन पे जो वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू, ये देखो ये नीचे है, के वन पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो है। सिमिलरली के टू पे जो वैल्यू वो भी लेस देन जीरो, क्यों? के टू पे भी वैल्यू नीचे यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो चारों से मैंने, चारों की पॉसिबिलिटीज लिख दी मैंने, चारों में क्या क्या कंडीशंस होगी। अब हम इनका इनको समराइज करते हैं, ठीक है, समराइज, इसकी समरी निकालते हैं हम। तो समरी में देखिए, सबसे पहली तो डिस्क्रिमिनेट की बात करें, तो डिस्क्रिमिनेट तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो पहले और तीसरे ग्राफ में तो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और दूसरे और चौथे ग्राफ में इक्वल टू जीरो है। तो चारों को मिक्स कंबाइंड करके लिखा तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिया। फिर दूसरी कंडीशन देखो आप, माइनस बी बाई टू ए, ये के वन और के टू के बीच में ही है हमेशा, यानी माइनस बी बाई टू ए जो है वो के वन से तो बड़ा है हर बार, लेकिन के टू से छोटा है हमेशा ही, चारों के चारों ग्राफों में। फिर आते हैं देखो, अब आप सोचो जरा, ए दो में तो ए जीरो से बड़ा, दो में ए जीरो से छोटा, फिर के वन के टू पे पहले दोनों ग्राफों में वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, बाद वाले दोनों ग्राफों में वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, तो कंडीशन क्या बनाए? अब तक तो आप समझ गए होगे कि ए इंटू एफ के वन ये क्या होगा, देखो हर बार जीरो से बड़ा आएगा, और सेम ए इंटू एफ के टू ये भी हर बार जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। ए इंटू एफ के वन ग्रेटर देन जीरो एंड ए इंटू एफ के टू ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, यानी दोनों बार, हर बार ए और एफ के वन की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है। तो ये किसके लिए कंडीशन होगी, फोर्थ के लिए। दोबारा बता रहा हूँ, कंडीशनें याद नहीं करनी, कंडीशनें कैसे बनाई गई है ये प्रोसेस याद रखना है, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम हाथों हाथ ग्राफ बना के ये कंडीशंस बना देंगे, कंडीशनें याद नहीं करनी है। अब आते हैं देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पे। तो फिफ्थ है, व्हेन के वन के टू लाइज बिटवीन रूट्स, यानी ये इंटरवल रूट्स के बीच में लाई करे, ठीक है। तो इस बार देखो ग्राफ कैसा बना, इसके बीच में यहां कहीं के वन और यहां पर के टू, टच करने वाला ग्राफ इस बार फिर नहीं बनेगा, इसमें भी इधर के वन और इधर के टू, इस बार भी टच करने का ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो देखो इसमें कंडीशन क्या बनी, ए ग्रेटर देन जीरो, फिर डी ग्रेटर देन जीरो, फिर के वन पे जो वैल्यू आई, के वन पे वैल्यू वो क्या आई, लेस देन जीरो, के टू पे जो वैल्यू आई वो भी लेस देन जीरो। सिमिलरली इसमें ए लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, के वन पे जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन जीरो, के टू पे जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन जीरो। अब आप बताइए माइनस बी बाई टू ए, इसका के वन के टू के साथ क्या रिलेशन होगा? देखो जैसे माइनस बी बाई टू ए यहाँ पर होगा ये, अब देखो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ये है माइनस बी बाई टू ए, अब के वन के टू दोनों यहाँ हो तो दोनों ही क्या हो गए, माइनस बी बाई टू ए से बड़े, लेकिन के वन के टू दोनों यहाँ भी हो सकते हैं तो फिर माइनस बी बाई टू ए से छोटे। के वन के टू ऐसा भी हो सकता है, के वन इधर हो के टू इधर हो, तो माइनस बी बाई टू ए के वन और के टू के बीच में, तो एक्चुअल में माइनस बी बाई टू ए और के वन के टू के बीच में कोई, मतलब कोई फिक्स कंडीशन नहीं बन पा रही है। तो जब ऐसा नहीं बन रहा तो हम उसकी कंडीशन को काउंट नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था। इसमें देखिए, इसके अंदर, इसमें भी माइनस बी बाई टू ए कहीं पर भी हो सकता है थर्ड में, तो हमने उस कंडीशन को काउंट ही नहीं किया, ठीक है।
तो ये दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ये तो समझाने के लिए बनाया था। तो अब देखिए इसमें कंडीशंस अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगी। पहली तो डिस्क्रिमिनेट दोनों में ही क्या है, ग्रेटर देन जीरो। फिर सेकंड, अब सेकंड आप देख के बताइए कि सेकंड क्या बनेगा। ए और एफ के वन, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो। देखो ए और एफ के वन हर बार इधर ग्रेटर देन जीरो, इधर लेस देन जीरो। सेम इसमें ए और एफ के वन, इधर लेस देन जीरो, इधर ग्रेटर देन जीरो, यानी लेस देन जीरो। एंड ए एफ के टू, ये इसमें भी सेम टू सेम यही है, ये भी लेस देन जीरो। अब जैसे पिछले में पढ़ा था उसी टाइप से इसमें भी सफिशियंट कंडीशन लिख सकते हैं। सफिशियंट कंडीशंस, ठीक है। तो सफिशियंट कंडीशन क्या होगी, देखो इस बार भी ये पॉसिबिलिटी बनेगी तब जब के वन के टू क्या हो, रूट्स के बीच में, यानी रूट्स कैसे होने चाहिए, दो अलग अलग होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो तो क्या है, होना ही जरूरी है। तो कंडीशन क्या बनी, सफिशियंट ओनली ए इंटू एफ के वन ग्रेटर देन जीरो एंड ए इंटू एफ के टू ग्रेटर देन जीरो, यानी केवल इसी को सोल्व कर लो तो इससे जो आएगा वो ही आंसर होगा हमारा, दोनों का कॉमन होगा इनमें। अब आते हैं लास्ट पे, सिक्स्थ। व्हेन वन रूट लाइज इन के वन कॉमा के टू, ओनली वन रूट, केवल एक रूट इस इंटरवल में लाई करें, के वन छोटा है के टू से, तो मैंने बता रखा है। अब देखो इसमें ऐसा ग्राफ बना दिया, ऐसा हो गया के वन तो यहाँ इधर और इधर के टू, तो देखो एक रूट है। या फिर इसी में ऐसा हो जाए के वन इधर हो जाए और के टू इधर हो जाए, टच करने वाला बन सकता है क्या। देखो अगर टच करने वाला बनाऊँ तो तब नहीं, वो नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इसमें तो एक रूट उस इंटरवल में लाई करेगा ही नहीं। फिर सिमिलरली इसमें भी के वन इधर तो के टू अंदर, यानी इसमें भी एक रूट है के वन के टू के बीच में। सेम इसमें, इसमें इधर के वन तो इधर के टू। अब आते हैं देखो पहले पे, तो इसमें तो ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फिर माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू के वन से बड़ा होगा, बस इतना जरूर बोल सकते हैं, है ना। लेकिन वही बात, अगर के वन के टू को इधर ले गए तो माइनस बी बाई, आप ध्यान से देखो माइनस बी बाई टू की कंडीशन बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इस केस में तो मैंने के वन के टू को यहां लिया, इस केस में के वन के टू को इधर ले लिया। तो देखो यहां तो मैं कह दूंगा के वन से बड़ा है, लेकिन के वन जैसे इधर आ जाएगा तो फिर माइनस बी बाई टू के वन से ही बड़ा नहीं होगा, यानी इस केस में माइनस बी बाई टू ए की कंडीशन तो बनेगी नहीं। अब बचा एफ के वन, ये तो क्या है ग्रेटर देन जीरो, इस पे तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, के टू पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी एफ के टू लेस देन जीरो। फिर इसमें भी ए ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है, एफ के वन पे जो वैल्यू आ रही है वो देखो नीचे, एफ के वन कितना नीचे, एफ के टू ऊपर, एफ के वन लेस देन जीरो और एफ के टू ग्रेटर देन जीरो। अब आते हैं इसमें, तो इसमें ए लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन जीरो। फिर एफ के वन पे वैल्यू नीचे होगी ऐसे, लेस देन जीरो, एफ के टू ग्रेटर देन जीरो। इसमें भी ए लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन जीरो, के वन पे वैल्यू पॉजिटिव है, एफ के वन ग्रेटर देन जीरो और एफ के टू पे वैल्यू लेस देन है, तो लेस देन जीरो नेगेटिव वैल्यू। अब इससे कंक्लूजन निकालें, देखो सबसे देखो, फर्स्ट तो है जो सभी में डी ग्रेटर देन जीरो है ना, डी ग्रेटर देन जीरो। और सेकंड जो है, अब देखो इस बार
पहले अगर मैं लिख दूं, देखो पहले ग्राफ में ए इंटू एफ के वन, यहाँ मैंने लिखा पहला ग्राफ, यहाँ लिख दिया दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, ए और एफ के वन का मल्टीप्लाई। पहले ग्राफ में तो क्या है, पॉजिटिव। दूसरे ग्राफ में देखो ए और एफ के वन का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, दूसरे ग्राफ में नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव। तीसरे ग्राफ में देखो, तीसरे ग्राफ में ए और एफ के वन का मल्टीप्लाई नेगेटिव, चौथे ग्राफ में ए और एफ के वन का मल्टीप्लाई नेगेटिव, ए लेस देन जीरो, एफ के वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये इसमें तो नेगेटिव है, लेस देन जीरो इसमें पॉजिटिव है, ऐसे है। कोई पर्टिकुलर तो कंडीशन बन नहीं रही, नहीं बन रही ना, कि पिछली बार तो ए और एफ के वन हमेशा ही क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था सभी ग्राफों में, इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार क्या करें फिर, ए और एफ के वन के साथ तो बात बननी थी। अब आप ध्यान से देखो, एफ के वन और एफ के टू, मैं इसको अगर करूँ मल्टीप्लाई दोनों को, एफ के वन इंटू एफ के टू, तो देखो पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, पहले ग्राफ में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव माइनस का, इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसमें भी माइनस, इस वाले तीसरे ग्राफ में नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव मल्टीप्लाई, चौथे में भी नेगेटिव। तो ध्यान से देखो आप, एफ के वन इंटू एफ के टू इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, हर बार ही नेगेटिव आ रहा है, यानी इस बार एक कंडीशन ये बनाएंगे हम। दूसरी कंडीशन है एफ के वन इंटू में एफ के टू लेस देन जीरो। इस बार ए का कोई यूज नहीं आएगा, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है इसमें ए का कोई हमारे पास रोल नहीं, इसमें भी सफिशियंट बनेगी। अब देखो इसमें भी सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन क्या बनी, एफ के वन इंटू में एफ के टू लेस देन जीरो, यही हमारा इसमें फाइनल रिजल्ट है, एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, ये मैं आपको लिखा देता हूँ कि देखो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में भी आएगा। इफ जैसे एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो, देन एटलीस्ट वन रूट लाई इन इंटरवल ए टू बी, कि अगर एक एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो का मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है, दो नंबरों का मल्टीप्लाई लेस देन जीरो कब आएगा, जब उनमें से एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो। तो देखो एक्चुअल में इसको मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ, ये ए है यहाँ बी, तो ए पे वैल्यू नेगेटिव आई और बी पे पॉजिटिव आई, ऐसा ग्राफ बना जब सपोज, तो देखो ये है एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, तो एफ इंटू एफ बी लेस देन जीरो, तो ये एक रूट हो गया। बस ग्राफ जरूर कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ से ग्राफ ये एक्स इक्वल टू ए, ऐसे ये एक्स इक्वल टू बी, तो इसमें देखो दो रूट हो गए वहां पर। रूट होने का मतलब क्या है, कि कम से कम एक रूट उसमें लाई करेगा, इसका मतलब क्या है कि कम से कम ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को जरूर इंटरसेक्ट करेगा। देखो अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो, या इसका मतलब ये प्लस तो ये माइनस, या फिर ये माइनस तो ये प्लस, यानी अगर एक पे इस पे वैल्यू माइनस में है तो दूसरे पे वैल्यू प्लस में होगी होगी, और ग्राफ कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ग्राफ एक बार तो उसको इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। देखो किसको, एक्स एक्सिस को, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ से चल के मेरे को यहाँ पहुँचना है और ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये ग्राफ इसको कम से कम एक बार तो काटेगा ही काटेगा। देखो ऐसे अब चला गया यहाँ, तो इस बार कितनी बार काट गया, एक से ज़्यादा बार, यानी मिनिमम एक बार तो काटेगा, और जैसे ही एक बार काटेगा तो उस केस में उसके एक से ज़्यादा रूट्स हो जाएंगे, या तो एक होंगे या फिर एक से ज़्यादा रूट्स होंगे।
ये भी एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसी से रिलेटेड है हमारी थर्ड कंडीशन से, कि देखो जब एफ के वन और एफ के टू का लेस मल्टीप्लाई लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ पर भी यही कहा कि एक रूट वन रूट लाई इन के वन के टू, यानी उसमें एक रूट लाई करेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज तो मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी, उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा उसको, क्योंकि इन सब को कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को कैसे, प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है, इनको उसमें कैसे अप्लाई करें, कैसे यूज करें, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।